ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। I'm still in Bhagavad Gita, right? It's all right. Even if twice I did it. ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 ही। सो वी आर ऑन द लास्ट वन दैट वी फिनिश्ड वाज द विज्ञानमय कोशः और द इंटेलेक्ट शीथ एंड नाउ दिस टुडे वी आर गोना डू द लास्ट शीथ व्हिच इज द आनंदमय कोशः सटलेस्ट ऑफ ऑल द क्लोजेस्ट टू द भगवान। सो उसके बारे में ये है वर्स 2। तस्य एषः एव शारीरः आत्मा यः पूर्वस्यः तस्माद् वये एकस्मात् विज्ञानमयात् अन्यः अन्तरः आत्मा आनन्दमयः तैनेशपूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अनु अयं पुरुषविदः तस्य प्रियमेव शिरः मोदः दक्षिणः पक्षः प्रमोदः उत्तरपक्षः आनन्द आत्मा ब्रह्मपुष्टं प्रतिष्ठा तत् अपि एषः श्लोको भवति। सो वेरी लॉन्ग बट हाफ ऑफ इट इज काइंड ऑफ रिपीटिंग इट सो विल सी। तस्य इज ऑफ दैट विज्ञानमय कोश एष इज दिस एव वेरिली शरीर आत्मा इज एम्बॉडीड आत्मा। सो आई वॉज मेन्शनिंग दैट हाउ दे यूज आत्मा इफ समथिंग इज सुपीरियर देन दैट दे कॉलिंग इट आत्मा यू नो। तो आनंदमय इज हायर सटलर सुपीरियर देन वो उसकी आत्मा हो गई ऐसे। यह इज हु पूर्वस्य ऑफ द फॉर्मर तस्माद् वै एतस्मात् एज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन डीड फ्रॉम दैट वेरी विज्ञानमयात् कंसिस्टिंग ऑफ विज्ञानमय और आत्मन अन्य डिफरेंट फ्रॉम अंतर आत्मा इनर सेल्फ आनंदमय कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ आनंदमय। इट साउंड्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऑल दे आर सेइंग इज देयर इज अनदर लेयर विद इन दैट विज्ञानमय कोशा विच इज कॉल्ड आनंदमय विच इज द आत्मा ऑफ द विज्ञानमय। तेन इज विद दैट एष इज दिस पूर्ण इज वी नो वर्ड फुल स इज इट वे इज वेरिली एष इज दिस पुरुष विद इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सन। So here also, you know, it's a symbolic thing because when we think of something atma or something inside, hum usko chota 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 batate jate. No, it's not chota chota. Subtler. It still pervades everything. You know, that's what we have to understand. So esha is this purusha vidha in the form of a person. Eva is only tasya is its purusha viditam, human form. Because human form is easy for us to understand. That's why it's saying it's human form. Anu is depending upon. Ayam, this one, Vijnanamaya. Purusha Vidha, of the shape of a person. Tasya, of it. Priyam. And I had talked about this. Priya is joy. Eva Shiraha is indeed the head. So, humko aise thoda samjhane ke liye ki uska sar is Priya. Moda is rejoicing. Dakshina Paksha. Uska jo daya bhaag hai, wo rejoicing hai. And in the right side. Pramoda, bliss. Ek hota hai, priya, dusra hai, mod or pramod. It's like thoda deeper and deeper jata hai, anand mein. So that is uttara pakshaha, left side. Anandaha. And everybody understand what anand means. So sabko mila ke anand word de diya hai. Atma means uska body is anand. Brahma puchyam pratishtha. Abhi sida Brahman is the pratishtha. Brahman is his adhar. Brahman is his
इट्स उसका बेस सबस्ट्रेटम. पहले वाले में सबस्ट्रेटम वॉज दी हिरण्यगर्भ वॉज द थिंग यू नो. दिस वन ना प्योर ब्राह्मण को बताया है. सो विल सी वाई. एंड इज अ हाइंड पार्ट एंड द सपोर्ट. तत् इज अबाउट दैट. अपी इज ऑल्सो एश. दिस श्लोक इज वर्स. भवती देयर इज. सो बेसिकली दिस इज द लास्ट शीत दे आर टॉकिंग अबाउट बिफोर द प्योर ब्राह्मण. And I, last time I had given the example of, you know, it was Nikhil Anandji who gave that example in one of his talks, that it's like a translucent vessels, bola. Paanch ek ke andar ek, you know, transparent hai aur andar usme ek diya jal raha hai, samjho. To roshni sabse zyada strong kahan hogi? Sabse andar wale mein hogi, right? So hum log andar wale mein pahunch gaye, anandmay kosh mein. That's how you see it. सो ही सेइंग दैट उसमें ना आनंदमय कोश में वी आर आनंदमय कोश में जो आनंद भरा हुआ है ना उसकी जो प्रतिष्ठा है या उसका जो सबस्ट्रेटम है वो ब्राह्मण है राइट. लेकिन ये आनंद भी कंडीशनड आनंद है. प्योर आनंद नहीं है ये बिकॉज दिस इज लाइक अ इसमें प्रिय मोद और प्रमोद का आनंद है. वैसे डिवाइड किया इसको. सो दैट्स वाई दे सेड दैट it is. And then he Nikhilananji was saying that how हमारा जो आनंद है ना उसका रूप अलग अलग होते हैं राइट. हम लोग को आनंद हर एक मिठाई खाने से भी आनंद मिलता है. किसी को अपने ग्रैंड चाइल्ड को हक करने में और अवर चिल्ड्रन को हक करने में आनंद मिलता है. फ्रेंड्स को यू नो हक करने में आनंद मिलता है. ऑल दोज थिंग्स सो मेनी डिफरेंट. सो देर कुड बी वराइटी बट दीज आर ऑल कंडीशन आनंद यू नो coming. And then he was just saying that all the karmas we do, why do we do it? Think about it. Uske piche kya hai? Every action that we do, what do we want from those actions? Hum log ko anand mile. Koi ye nahi bolega main ye kaam isliye kar raha hu main dukhi ho jaun. Uska result chahe wo dukh mein parivartit. Koi ek nali ka keeda bhi hoega na to wo abhi anand chahta hai. That's one common thing between all of us, all the jivas, we all want happiness. Batala ke usko anand kahan milta hai, that's a different thing. But chahta wo yehi hai. So all of our actions are to obtain that anand. So, and he's saying that, but we know that jo conditioned anand hota hai na, wo temporary hota hai. Agar rasgulle mein kisi ko anand milta ho, अगर तू बोला खाओ ठूस ठूस के खाओ फिर वो एक आनंद जो है ना पेन में बदल जाएगा. उसका पेट दुखने लगेगा. उसको अपच हो जाएगा. जो भी होएगा वो आनंद बिकॉज भगवद गीता में आएगा कि जो वर्ल्डली चीज़ें हैं ना वो दिखने में बहुत सुंदर दिखती है लेकिन उसके अंदर वो विष जैसी होती है. सैड बट इट डजेंट मीन दैट यू डोंट इन्जॉय द बट यू शुड नो दे आर टेम्पररी. वो विश में इसलिए बदलती है बिकॉज जब वो अपना रूप वूप बदल लेती है तो हम लोग को दुख होता है. यू नो इट्स लाइक यू नो इफ यू स्टे क्लोज टू द ओशन एक आयरन बार रख दो उसमें जंग लगेगी. तब उसको कितना भी पेंट करवा लो कुछ भी कर लो दैट्स द नेचर ऑफ इट. दैट्स हाउ इट इज. सो आनंद ऑब्टेन विद फॉर डिजायर फुलफिलमेंट दैट वी वॉन्ट टू डू दैट इज शॉर्ट लिव्ड. ओके लेकिन वेयर डज दैट आनंद इज कमिंग फ्रॉम. The base is that. So, वो हमको समझना पड़ेगा. But he was just saying कि उन्होंने ये और मैंने I think I had mentioned this that जो worldly आनंद है ना its sources are many, its color is many, its feelings are many. But उसको ना ऋषि मुनियों ने तीन भाग में divide कर दिया. उसको बोला प्रिय मोद एंड प्रमोद. Because all the it's like a broad category. So when you think about something that you brings you anand, you know, like kisi ne aisa bhi bola, like one this man was there, you know, and he had a very interesting perspective. Ki sometimes you know we plan for vacation, right? Mm-hmm. And then a man proposes, God disposes. Some kuch bhi ham ja nahi paaye. तो बोला ओ सत्यानाश नथिंग. तो उसने बोला नहीं 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 डोंट गिव अप दैट इजिली बिकॉज वाइल यू आर प्लानिंग तुमको बहुत मजा आ रहा था. सो डोंट डिस्काउंट दैट. एंड उसका रिजल्ट भले ही नहीं मिला हो लेकिन वो आनंद तुमने भोग लिया है. आई नेवर थॉट अबाउट इट दैट वे.
उसको ये बोला प्रिया, व्हेन आई एम मेडिटेटिंग ऑन सम थिंग दैट्स प्रिया हो। फिर जब वो चीज़ मेरे पास आ जाती है तो आनंद थोड़ा भट जाता है मेरा, उसको मोद बोला है, रिजॉइसिंग इन इट, यू नो मेरे बगल में है, आई एम गोना एंजॉय इट नाउ। एंड द थर्ड वन इज व्हेन आई एम एक्सपीरियंसिंग इट, दैट्स व्हाई आई गिव द रसगुल्ला का एग्जांपल। Somebody loves sweet, thinking about it gives them anand. Then somebody gives them a box of mithai, wo padi hui hai fridge mein, usko soch soch ke aur bhi anand ho raha hai because it knows it's close to me now. I can, then when you go and pop one in your mouth, that's a bliss. So usko mod, sorry, priya, mod and pramod. So unhone khali aise bata diya hai ki priya is the sar hai, mod pramod uska, you know, क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट एंड आनंद, सब मिला के आनंद ही बोल दिया उसको, राइट, दैट्स ऑल, दैट्स हाउ इट्स सेइंग। एंड देन दिस इज अ सामान्य आनंद ही सर, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसका जो बेस है वो क्या है, ब्रह्मन, विच इज नथिंग बट सत चित आनंद, यू नो। बट हम लोग का ये प्रॉब्लम है, वी थिंक दैट द आनंद इज कमिंग फ्रॉम द थिंग्स एंड वी हैव एनालाइज्ड इट मेनी टाइम्स। इफ आनंद वॉज इन द थिंग्स, और सपोज रसगुल्ला में आनंद है, सब सबको मिलना चाहिए आनंद, बट दैट्स नॉट ट्रू। पीपल हु डोंट लाइक रसगुल्ला विल नॉट गेट आनंद, बोलेगा मेरे को तो संदेश चाहिए, मेरे को तो गुलाब जामुन चाहिए। सो दैट मीन्स दैट्स वन प्रूफ दैट आनंद इज नॉट इन द सब्सटेंस। एंड सेकेंडली, सेम थिंग कैन गिव डिफरेंट टाइम, वन टाइम इट माइट गिव आनंद, वन टाइम इट माइट गिव पेन। वेन यू हैव इनडाइजेस्शन, इफ समबडी गिव्स यू, you know, it will be pain, right? So that's what proves that anand is not in the objects. So where is the anand from? It is Brahman only. So what is, how does it happen? When we have a strong desire, it creates agitation in the mind. That agitation ki wajah se anand dhak jata hai. And jab koi humko cheez milti hai na, to wo temporary agitation kam ho jata hai. And ब्रह्मानंद ऊपर आ जाता है, यू नो दैट्स ऑल इट इज, इट्स अ टेम्पररी। फिर दूसरी डिजायर आ जाती है, फिर एजिटेशन शुरू हो जाता है, इसके लिए वो ढक जाता है। सो ये दिस आनंद भी हम लोग है ना, वो डिजायर से कनेक्टेड करके उसका, उसको गड़बड़ करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देम। सो जितना ज़्यादा माइंड प्योर और क्वाइट होगा, आनंद उतना ही ज़्यादा 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 रहेगा। एंड देन इन दिस उपनिषद ओनली दे आर गोना कैटेगराइज अ डिफरेंट आनंद व्हेन वी गो, बट दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट in this. And then, you know, Swamiji said that it is ignorance which causes the pain in our life, ignorance of the Brahman. That's why Krishna Bhagwan made such a strong statement that, you know, I am the one thing to be known. Once you know that Brahman thoroughly, you are not going to be unhappy about anything, you know, you will take everything positively and all that. And if some, even if something goes wrong, you know that your base is anand. So it's like I was talking about it, that somebody got $1 billion, he's not going to worry about $5, you know. And then he will be kisi ke paas infinite ho samjho, wo to anand baantega sabhi ko. He's not going to say that, oh, I'm going to just hold it to myself. So there's so many things connected with this Brahmanand, you know. So any question? Comment? मुझे जो सेल्फ रियलाइज लोग होते हैं, दे एंजॉय एवरीथिंग इन लाइफ, एवरीथिंग, एंड एब्सेंस ऑफ एनीथिंग डज नॉट कॉज एनी पेन टू देम। देयर यू गॉट इट, यू गॉट इट, बिकॉज दे नो देयर वर इनफिनाइट सप्लाई इन द बैक ओवर देयर। So unko samne samne se koi mile jaane wala tha, they don't care. It's like in a dream, Swamiji used to give that example. Dream mein tumko koi ek rasgulle ka dabba de raha hai ya do thappad maar raha hai, jab tum jaag jaoge to kya fark padta hai, na kisi ne thappad mara hai tumhe, na kisi ne rasgulla diya, you are awake, you have everything. So that's how it is. We can't understand it because we are not there yet. So the shastras give you indication, they are proving it, that hey, where this anand is coming from, you know, because we still associate anand with everything, because we don't have that parmanand ka abhi tak experience nahi hua hai humko, jisko ho jata hai na. Sorry, what? It all comes down to realizing what is temporary and what is permanent. Yes,
And then once you detach yourself from temporary things, there is no room for sorrow. Yeah. So detachment also means you can indulge with it, you can enjoy it, but don't expect it to be there all the time. Right. That's all it means. That's it. It's a Bhagwan is not saying that don't enjoy. No, Krishna Bhagwan bhi bahut enjoy karte the, makhan makhan churate the, pata nahi kya kya kiya unhone. Gopiyon ke sath nritya kar rahe hai. He's enjoying dance, he's enjoying music, he's murli baja rahe, sab kuch kar rahe, right? So koi bolega, why is he doing then if he's in Paraman? No, he's enjoying worldly stuff, but he knows inside. Unki jab murli wurli chali gayi, jab unko chhod chhad ke aana pada, wo baith ke roye nahi, right? He just left. Okay, wo time tha, abhi dusra aa gaya. That's all. So that's what it is. Yeah, so we will read next time. Some of you who came a little late, my dear, dear brother, who was like my father figure to me, who brought me to America, who got us married, and he's no more. He passed away. He was not feeling well last 10 days, so it was kind of expected, but still, it's a very sad thing. But we are trying to be, my bhabhi is very spiritual. And she said, we have to celebrate his life and things like that. So she has a very, very nice attitude. He has three children and they also, very nicely, they are taking it and all that. But I wanted to do Trayambakam mantra for him 5 times to get his, soul in peace and sadgati and all that. So I'll appreciate if you guys do it with me. त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ 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 शांति 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 ही मे माय ब्रदर अटेन सद्गति. I know he's in God's lap. Thank you all. Thank you, everyone. Next week, I will let you know. I am going to Florida for his memorial and his funeral and all that. I'm going to be back, but whether we will do the class or not, I will let you know. If at all, then we might miss one class and then do the next one. If I'm able to... I'm coming back on Tuesday night, so it depends on if I can prepare, next couple of days and all, but I'm not canceling it right now, so just be on the lookout, so thank you everyone, and I will be in touch. Either we'll meet next week or if not, the following week. Okay. Hari Om, everyone. Hari Om, Didi. Hari Om.